जब मुट्ठी भर बाजरे के लिए खोदी थी सुल्तान ने सल्तनत। भारत का इतिहास साक्षी रहा है मातृभूमि पर जब भी किसी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया है, यहाँ के शूरवीर अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए मातृभूमि के लिए कुर्बान हुए हैं। ऐसा ही एक युद्ध है गिरी सुमिल युद्ध, 5 जनवरी 1544 हुई। सर 1600 पौष शुक्ल 11 को गिरी सुमिल रणस्थली जहां मारवाड़ रियासत के राव मालदेव राठौर के मुट्ठी भर रणबांकुरों ने जैता राठौर और कुपार राठौर के नेतृत्व में शेरशान सूरी की सेना लगभग 50,000 से 80,000 की संख्या के होश उड़ा दिए। मालदेव राठौर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करने आए थे, परंतु शेरशान सूरी के षड्यंत्र का शिकार हो गए, जिससे उन्हें अपने सेनापति जैता और कुपा पर संदेह उत्पन्न हो गया और वे अपनी सेना लेकर लूट गए, परंतु जैता और कुपा अपने वीर योद्धाओं लगभग 20,000 सहित युद्ध के लिए कूच कर गए। रात का अंधेरा व दुर्गम रास्ते के कारण योद्धा रास्ता भटक गए, फलस्वरूप 5,000-6,000 योद्धाओं सहित जैता कुपा शेरशान सूरी की सेना के सामने युद्ध करने पहुंचे। इन मुट्ठी भर योद्धाओं ने शेरशान सूरी के लगभग 35,000 से 40,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। गिरवी तोरे गार में लंबी वघई खजूर, जैते कुन पे आखिया स्रग नीलो घर दूर। इस युद्ध में मारवाड़ के सभी वीर योद्धा जो रण में मौजूद थे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता, मातृभक्ति, युद्ध कौशल देखकर शेरशान सूरी की पैरों तले जमीन सरक गई और युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशान सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो बैठता। इसका दोहा प्रसिद्ध है, बोलियो सूरी बैंग्यू गिरी घाट घमसान, मुठी बाजरी खातर खो दे तो हिंदवान।